इस रोबोट क्लीनर के ऊपर, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिमांड थी कि आप इसका रिव्यू करें, इसका रिव्यू करें। अभी तो इसको टेस्ट आउट कर चुकी है, उसके बाद रिव्यू आ रहा है आप लोगों के सामने। ये इसका बॉक्स है, ये इसका डब्बा, और ये मेरे हस्बैंड है, मेन की वाइफ है। शुक्र है खुदी दा करवा दिया। ये बोलो ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है भाई। वो वीडियो में बोलती है बोलो ना तुम्हारी बहन, बोलो ना तुम्हारी, बोलो तुम्हारी बीवी। अच्छा, अभी आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी कि मशीन आई कितने की है, यूजफुल है नहीं है यूजफुल है, खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। सो टाइम वेस्ट के बगैर जो रिसीव हो गया प्रोडक्ट, इसकी सीओडी जो है वो मैंने दे दी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था फ्रेजाइल, ये इसको खोलते हैं। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हेल्पर नहीं थी क्योंकि मेरे पास, मैंने कहा अगर प्रोडक्ट वर्थ बाइंग हुआ था, मतलब मेरी तो भैया तर गई है। आई विश के वर्थ बाइंग प्रोडक्ट हो ये, पैसे वड़ मजा आएंगे, पंजाबी में बोलते हैं वड़ गए पैसे, तो वो भी थोड़ी सी टेंशन है। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था जो मेरे बाहर मुल्क के फॉलोअर हैं ना, कि ये ले लें आप, ये आपको बड़ा काम आएगी। सो अगर काम ना आए तो पैसे फिर वो लोग मुझे इसका रिफंड करें। एक हाथ से खोलना तो काफ़ी बाहर ऊपर आ जाए, मुझे सोच करता है हाथ में कंपन, हाथ में और क्या है। अच्छा, इसका कोई चार्जिंग वार्जिंग हो सिस्टम, ये कुछ पैड भी दिए हैं एक्स्ट्रा, पोचे वोचे लगाने वाले कुछ होंगे साथ। इसका ये मैनुअल दिया हुआ है, ये और एप कौन से करने वाले वो दिया हुआ है। कर टाइम है, यहाँ पे इसके व्हील लगे हुए हैं, ये दो अटैचमेंट थे अलग से वो मैंने फिक्स कर दिए इसके साथ, और ये पेडिंग थी इसके साथ मैं अलग से, तो ये मैंने यहाँ चिपका दिया। सो जी, मैंने मशीन को चार्जिंग पे लगाया था क्योंकि ये बिल्कुल डेड आई थी ना, ऑन नहीं हो रही थी, तो चार्जिंग नहीं थी, मैंने चार्जिंग पे लगाया, इसको चार्जिंग पे लगा दिया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वायर है, ये अडॉप्टर है, चार्जिंग पे लग गया था। इसके अंदर ना चार्जिंग वाला सेल लगा हुआ है, और ये लोग बोल रहे हैं कि आप एक दफा चार्ज कर लेते हो तो दो घंटे आपका आराम से निकाल लेता है। अच्छा, यहाँ पे इसका वो कंटेनर है जिसमें ये डस्ट वगैरह इकट्ठा करता है, डस्ट कचरा कुछ भी। ठीक है, अब मैं उल्टा करके दिखा देती हूँ आपको इसको। ये मैंने अभी ना इसको चेक किया था चला के, तो जो फर्श पे धागे वगैरह थे ना वो सारे इसके इसमें लपेट गए थे, और ये फर्श पे टाकी भी लगा दी थी इसने, भी देखे बाल वगैरह ये चीज़, और डस्ट सारा यहाँ पे वैक्यूम है इसके थ्रू अंदर चला जाता है। ये यहाँ पे ऐसे चिपकता है, और मैंने इसके ऊपर वो लगाने लगी हूँ थोड़ा सा मोप क्लीनर, और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। इसकी एप्लीकेशन होती है मोबाइल में, वो मैंने कर ली है, वो भी आपको। सो ये जो मशीन है ना, ये तीन पर्पजेज के लिए यूज़ होती है, मतलब सफाई के लिए भी, वैक्यूम के लिए भी, और मोपिंग के लिए भी। मोपिंग पे ना मैंने यहाँ पे जो मोपिंग लिक्विड होता है वो डाला, थोड़ा सा गीली हो जाए। ये जी बकासा आ गए हेल्प करने के लिए, तो ये लग गया। ठीक है, अभी अच्छे से चिपक गया, खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू वाली टाकी लगी। सो अब इसकी एप्लीकेशन दिखाती हूँ आपने कैसे करनी है। इसके साथ ना इसका पूरा मैनुअल आया था, ये जिसको देख देख के मैंने सारा कर लिया है कैसे करना है। ठीक है, और साथ में ये वाला एक पेज आया था, इसके ऊपर से क्यू आर कोड स्कैन करके आपने वीडियो डाउनलोड करनी होती है। इस अपने मोबाइल का कैमरा खोलो ना आप सिंपली, ये देखें कैमरा खोला, तो अब तो मोबाइल में ये फीचर होता है कि इस तरीके से आप जैसे करोगे, देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया ये शो, ये लिंक पे क्लिक कर लिया डायरेक्ट, पूरी डाउनलोड करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन। उसमें ऑप्शन आ रहे होते हैं कितने सेकंड के लिए चलाना है, कितने मिनट के लिए चलाना है। पर्दे वगैरह फोल्ड करने लगी हूँ ताकि मशीन जो है वो पर्दों की वजह से जो है वो सफाई ऐसा ना हो कि सही से ना कर सके। सो आपके सामने मोप क्लीनर मैंने डाल दिया था उसके अंदर ऑलरेडी, और ये अब मैंने मोबाइल से इसको कंट्रोल करूँगी बेड पर लेट के, बस हिलना नहीं है हमने, अब बस ऐसे बैठ जाते हैं जैसे मच बैठती है ना पानी। सो ऐसे हमने बैठ जाए, अब मैं इसको मोबाइल से ऑन करने लगी हूँ, ये स्टार्ट हो जाएगी। ये देखना, अच्छा मैं ना अभी इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, ये भी फुल चार्ज हो जाएगी, फिर आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए इसने सारा कचरा इसके इस पर फंस गया है, इसमें इसमें, और ये मैंने हाथों में भी कोई बाल वगैरह जो झटके थे वो निकाले। अच्छा मैं अभी अंदर देखती हूँ कितने डस्ट इकट्ठी की है इसने अंदर, वो भी दिखाती हूँ। अभी ये निकालें, अब मुझे डस्टबिन फेंको, वहीं से निकलेगा। नहीं, ये दोनों साइड पे जो बनी है। हाँ, खोलना।
तो इसके अंदर ना यहाँ पे इसकी डस्ट आ जाती है, देखना। ओ वाह, इवन अभी तो फुल चार्ज भी नहीं था ये अभी आधा घंटा हमने घंटा चार्ज किया होगा, बस आधा घंटा घंटा चार्ज किया। तो पूरा जो है ना वो टाइम चार्ज करना पड़ता है जब तक इसका वो ब्लू ना हो जाए। तो रेड था मैंने निकाल लिया था, बट फिट है यार। सो भाई आप लोगों ने देखा इस मशीन का यूज कितना कचरा इसने, तुमने एक सेकंड एक मिनट के लिए चलाई होगी, टोटल एक मिनट चलाई और एक मिनट में इसने घूम घाम के सारे जो बाहर पड़े थे जो मुझे नजर भी नहीं आ रहे थे, काम वाली मासी समझ लो इसको। हाँ मैं समझ रही थी कि यार मेरा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा है। सो इसको एक दफा फुल चार्ज कर लो तो ये दो घंटे चलाती है आपके आराम से। और इसकी ना एक के ऊपर ऑप्शन होता है कि आप खुद खुद ही कहीं टकरे मार के खुद ही मुड़ जाती है। हाँ अभी टक्कर लगती है तो खुद आगे चलना शुरू हो जाती है, बट फुल चार्ज हो अगर बैटरी लो होगी तो फिर टकरे मार के खुद चलेगी नहीं और स्लो भी हो जाएगी। जरा सबर करो। सो जी ये इसकी एप्लीकेशन, इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन है और टाइमिंग का ऑप्शन है, 0.5 आवर, 1 आवर, 2 आवर। लैंग्वेज भी है इसमें, 3 चाइना की, इंग्लिश की, पता नहीं है किस कंट्री की है। सो यहाँ से आप लेट के इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो भाई कल का पूरा दिन मैं इसके साथ खपी हूँ, पूरी रात इसके साथ खपी हूँ, आज का पूरा दिन इसके साथ खपी हूँ। अब इसकी ये हालत है कि इसको लात से मुझे हिलाना पड़ता है कि होश में आ बीबी, होश कर होश कर। मशीन चल ही नहीं रही यार, मेरे पैसे डूब गए, मुझे बहुत रोना आ रहा है, इसकी चार्जिंग ही नहीं हो रही, मुसीबत की मारी की। अस्सलाम वालेकुम, सुबह आज तीसरा दिन है इस मशीन को मेरे पास, ये चार्ज भी नहीं हो रही और चल भी नहीं रही है। पूरी रात चार्जिंग पर लगा लगा के मैंने चेक किया बार 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 बार। अभी ब्रांड को मैसेज कर रही हूँ, ये देखें ऑन भी नहीं। सो ब्रांड को मैसेज किया है मैंने कि रिटर्न पॉलिसी है कुछ के नहीं है। सो प्रोडक्ट तो भैया मैं इतना सा नॉट रिकमेंडेड, इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ये भी नहीं, कोई 3-4 हज़ार रुपये का है, 11 हज़ार का प्रोडक्ट है, मतलब पैसे बढ़ गए ना खड्डे में। सो सही कहा है किसी ने, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, तो आप लोगों की मर्जी है, लेना है पैसा डिबोने ले सकते हैं, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। तो मशीन का इशू पता है क्या है, मशीन ना चार्ज नहीं हो रही। अब इतनी एक्सपेंसिव मशीन मोटा कचरा नहीं उठाएगी, वो आपको खुद उठाना पड़ेगा, बड़े बड़े रेपर हैं, कागज है, बच्चों वाला घर है स्पेशली, तो साफ सुथरा घर है आपका तो ये चलेगी आराम से, कौन से लकड़ी वाले फ्लोर पे भी चलती है, टाइल पे भी चलती है, और मुझे नहीं पता रख पे चलेगी कि नहीं चलेगी क्योंकि इसके ब्रशेस थोड़े नाजुक से हैं। तो हेल्पर का तो अल्टरनेट नहीं है ये बिल्कुल भी, जो हम खुद सफाई कर सकते हैं ना कि 5 मिनट में सफाई की और दांत छुटाई, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। देखते हैं पैसे वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, मेरे तो बट बर्बाद हुई, बट आप लोग वीडियो शेयर कर देना, वीडियो शेयर होगी व्यूज अच्छे आएंगे तो मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, खुद प्रोडक्ट खरीद खरीद के आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं। गर्मी में बैठ के मर रहा है मेरा मियां कि वो जल्दी से वीडियो बंद करो और मैं जाऊं और ऐसे चलाऊं। सो खैर वीडियो अच्छी लगी, हां वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपका ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।